बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, कल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईद उल फितर का चांद देखने के लिए इजलास बिठाए गए थे। तहम वजीर साइंस व टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि ईद जुम्मतुल मुबारक को होगी, जबकि सऊदी अरब में भी कल चांद नजर न आने की वजह से ईद का ऐलान बरोज जुमेरात को किया गया है। लेकिन जैसा कि पहले भी पाकिस्तान में 2 से 3 ईद उल फितर मनाई गई थी, इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है। जी हां नाज़रीन, बड़ी खबर से आपको आगाह करने जा रहे हैं। शुमाली वजीरिस्तान मीर अली के गांव हैदरखेल, जहां रात को ईद का चांद देखने के लिए इजलास बिठाया गया था, वहां से चांद नजर आने की 18 शहादतें मौसूल हुई हैं। जी हां नाज़रीन, शुमाली वजीरिस्तान का गाँव हैदरखेल, जो कि अफगानिस्तान के करीब है, वहां ईद का चांद नजर आने की वजह से ईद उल फितर का ऐलान कर दिया गया है। पिछले साल भी पाकिस्तान में 203 ईद उल फितर मनाई गई थी, इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि ईद के दिनों में मुल्क भर में लॉकडाउन बरकरार रहेगा। तफरीही मकामात और रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे, जबकि अवामुन नास की नकल व हरकत को महदूद करने के लिए हुकूमत इकदाम कर चुकी है। शहरियों से अपील है कि वो घर में रहें और महफूज रहें।